मोदी नहीं तो बहुत सारे नेता हैं, हम देखिए बहुत बड़े बड़े नेता हैं, जो ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम क्यों मोदी मोदी का टंटा बजाते रहे, क्यों मोदी ने सब क्या कर दिया हमारे लिए, सिर्फ हिंदू राष्ट्र करके वो जीत नहीं सकते हैं। मतलब आप ये सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी ने, मतलब वो शायद जब पैदा नहीं हुए होंगे ना उससे पहले उन्होंने कॉलेज कंप्लीट कर रखा, उनको आज तक ये नहीं पता चला कि मैंने कौन से सन में कॉलेज कंप्लीट किया है, कौन से सन में अपनी पता नहीं कौन कौन सी झूठी कहावतें सुनाते रहते हैं, झूठी कहानियां बना देते हैं कि मेरे टाइम में तो हम तो कैमरा नहीं होता था, हमारे टाइम में तो कैमरा आया। मुझे लगता है कि जो भी देश में बना है, जो भी देश में आविष्कार हुआ है, मतलब मोदी जी के लिए सब मोदी जी ने किया है। हम तो पहले पत्ते पहनकर घूमते थे। इस देश में जितना हक हिंदुओं को रहने का है उतना ही देश में हक मुसलमानों को रहने का है। उसी जो मिट्टी सींची है ये उसी दोनों के खून से सींची गई है, सिखों के खून लगा है, ईसाइयों का खून लगा है, हमारे अशफाक उल्लाह खान का खून लगा है, भगत सिंह का लगा है, बाबा साहब अम्बेडकर जो थे संविधान लिखा है उन्होंने, दलितों का, ये सबकी मिट्टी है। यहाँ पर आप अपना हक नहीं जमा सकते। सिर्फ राम मंदिर ना करते रहे, भगवा झंडा लहरा लहरा के पागल ना होते रहे तो आपको पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा है इसलिए स्कूल में काम कर रहा है। मोदी जी की डिग्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं, केजरीवाल जी पे 25,000 का जुर्माना भी लग चुका है। देखिए केजरीवाल पे जुर्माना, राहुल गांधी को 2 साल की सजा, ये जो पागलबंदी कर रहे हैं ना एक दिन इससे खुद ही डूबेंगे, और कुछ होने वाला है ना, इससे खुद ही डूबेंगे। और अगर लगातार जिस डिग्री की बात हो रही है वो डिग्री देखिए यही है जो मेरे पास जी, यही वो डिग्री है मोदी जी की जिसकी लगातार बात हो रही, चर्चाएं हो रही है। मैं ये देखिए ये डिग्री है। मतलब आप ये सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी ने, मतलब वो शायद जब पैदा नहीं हुए होंगे ना उससे पहले उन्होंने कॉलेज कंप्लीट कर रखा है, उनको आज तक ये नहीं पता चला कि मैंने कौन से सन में कॉलेज कंप्लीट किया है, कौन से सन में अपनी पता नहीं कौन कौन सी झूठी कहावतें सुनाते रहते हैं, झूठी कहानियां बना देते हैं कि मेरे टाइम में तो हम तो कैमरा नहीं होता था, हमारे टाइम में तो कैमरा आया। मुझे लगता है कि जो भी देश में बना है, जो भी देश में आविष्कार हुआ है, मतलब मोदी जी के लिए सब मोदी जी ने किया है। हम तो पहले पत्ते पहनकर घूमते थे। हमारे संविधान में कहां लिखा है कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर अनपढ़ होना चाहिए? देखिए संविधान में लिखा हो या ना लिखा हो, पर देश की जनता अगर एजुकेटेड बनाना चाहते हैं, होशियार बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं देश की जनता आगे निकले, कुछ पढ़े लिखे, सिर्फ राम मंदिर ना करते रहे, भगवा झंडा लहरा लहरा के पागल ना होते रहे तो आपको पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा है इसलिए स्कूल पे काम कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए सिर्फ मंदिर पे बात कर रहा है। पढ़े लिखे डिग्री आपके हाथ में है, कहां से कौन सी डिग्री, ये फेक डिग्रियां दिखाने लगते हैं वो, ये कौन सी डिग्री है, कौन सी कब की डिग्री है उनको खुद पता है। एक क्वेश्चन पूछ लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी को, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम होगा सही से। आप ये देखिए डिग्री लगी है मैम, इलेक्शन कमीशन खुद का है उनका, इलेक्शन कमीशन की तो बात मत करिए। सवाल बिल्कुल उठेंगे अगर इलेक्शन कमीशन अपनी जो ईवीएम है उनकी मशीनों की सिक्योरिटी नहीं कर सकता। आप ये देखिए जब भी हमने इलेक्शन होते हुए देखे हैं कई मशीन इधर से उधर जा रही है, कई इधर से उधर जा रही है, वो अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकते, उनके मुताबिक चुनाव जो होते हैं वो तय होते हैं। क्या लग रहा है आपने जैसे कहा ये डिग्री फर्जी है, हमने कई और भी देखा है कि जब डिग्री फर्जी होती है तो सत्ता रद्द हो जाती है मंत्रियों की या फिर विधायकों की। यहाँ कुछ रद्द नहीं हो सकता, यहाँ रद्द करने वाले लोग जो खुद के हैं, रद्द करने वाले लोग खुद के हैं। हाँ। मैंने बोला ना एक काम इन्होंने बड़ा अच्छा किया है बीजेपी ने, इन्होंने सबको सारा ऊपर का तबका था सबको ले लिया अपनी मुट्ठी में। हाँ। अब किस किस को ले लिया, देखिए कानून व्यवस्था पूरी इनकी है अपनी तरीके से चलाएंगे। अब ये देखिए जितने भी जजेस होते हैं उनको राज्यसभा का लालच देकर ही खरीद लेते हैं। अच्छा। बड़े बड़े जजेस होते हैं, हमने देखे हैं बहुत सारे के जजेस जो है वो बने हैं राज्यसभा मेंबर बने। सवाल खड़ा कर रही है, बिल्कुल खड़ा करना बनता है जब हमारे देश के जितनी भी कानून व्यवस्था है, मीडिया है, अगर इस तरह से दलाली करने पर उतर आएगी तो हम तो सवाल खड़े करेंगे ना, हमारा भी तो सवाल है ना, हम भी लड़कियां हैं, हमारी सुरक्षा में भी सवाल उठते हैं। अगर हम बाहर जा रहे हैं, रात को जा रहे हैं, दिन में जा रहे हैं तो हमें अपनी सेफ्टी चाहिए। इनके 2014 के बाद लगातार हम देख रहे हैं बलात्कार बढ़ गए, लगातार देख रहे हैं हम ईवटीजिंग हो रही है, कहां मर जाती है बीजेपी, कहां मर जाते हैं बीजेपी के नेता जब। लेकिन क्या लग रहा है अगर इस डिग्री की सच्चाई अगर बाहर आती तो जिस तरीके से राहुल गांधी की सत्ता रद्द हुई, बंगला खाली हुआ, क्या मोदी जी का भी बंगला खाली होगा? कोई खाली नहीं होता, सबको पता है फेक डिग्री है, और ये भी पता है कि मोदी जी कितने बड़े फेकू हैं। जैसे उनको फेक डिग्री, वैसे सम्मानित पद पर है, हम सम्मान करते हैं मोदी जी का, पर हम प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसका हम सम्मान करते हैं, बट अगर आप किसी कोई अनपढ़ नेता को बैठा देंगे सीट पर, हमारी देश की जनता की बेहाली, खुलेआम मीडिया के सामने आके डिग्री दिखाई आप कह रही अनपढ़ है, वही तो मैं कह रही हूँ। डिग्रियां तो ये हजार बनवा लेंगे, डिग्रियों के लिए नहीं है, डिग्री पीएचडी के लिए भी बना लेंगे ये। डिग्री क्या, उनके सब कुछ हाथ में है, हम क्या कैसे बोल सकते हैं कि डिग्री है, ये डिग्रियां फेक है। मोदी जी को खुद नहीं पता है कि उन्होंने कौन से सन में पढ़ाई करी है, कौन से सन में उन्होंने कॉलेज किया है, कौन से सन में उन्होंने 12th की है। हर बार बयानबाजी में हम देखते हैं अलग अलग लोग होते हैं, हर बार हमने देखा है। तो अगर आप ये बात कहेंगे कि मोदी जी पढ़े लिखे हैं या मोदी जी देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं तो ये सरासर झूठ है। जनता के लिए तो काम कर रहे हैं, जनता के लिए बना रहे हैं भारत को, भारत विश्व गुरु। देखिए किस तरह
इतिहास से बन रहा है। लड़कियों के साथ बलात्कार की संख्या बढ़ रही है, लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमान हिंदू में लोगों को बांटा जा रहा है, कास्ट देखकर बलात्कारी लड़कियों का जिस लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है उनको डिसाइड किया जा रहा है कि भैया इसको हमें न्याय दिलाना है, इसको न्याय नहीं दिलाना। हम ये देख रहे हैं मोदी जी की डिग्री पे भी कार्रवाई हो। देखिए मोदी जी की डिग्री पे कोई कार्रवाई हो या ना हो, मैं ये नहीं कह रही कि कार्रवाई हो या ना हो, मोदी जी पढ़े लिखे नेताओं की तरह काम करें, भलाई वो पढ़े लिखे हो या ना हो, पर अब वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगर वो हमारे प्रधानमंत्री हैं तो देश की जनता के लिए काम करना पड़ेगा। कर तो रहे ना, कौन सा काम जनता के लिए, तो कौन सा काम, एक काम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। मतलब हमारी देश की जनता अब इतनी गई गुजरी हो गई है कि 5 किलो अनाज में उनके लिए बहुत है। मतलब हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं करनी नौकरी, हमारे बच्चों को नहीं करनी PhD, हमें नहीं निकलना घर से बाहर, हमें बस 5 किलो राशन दे दो हम खुश हैं, बस इतना ही। मतलब देश की जनता इतनी गई गुजरी है, देश की जनता इतनी गिरी हुई है कि 5 किलो राशन में खुश हो जाएगी। इतनी सी ज्यादा जो महिलाओं की बात करते, पिछले बार की बात की जाती है, पर भाजपा सरकार सबसे ज्यादा अगर महिलाओं की बात की जाती है तो महिलाओं के साथ इतने बलात्कार हो क्यों रहे हैं यूपी में, बलात्कार हो क्यों रहे हैं हर जगह, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है हम देख क्यों रहे हैं लड़कियाँ सुसाइड कर रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, लगातार हम देख रहे हैं हिंदू मुसलमान के झगड़े कराए जा रहे हैं। मैं खफा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल खफा नहीं हूँ, पर उनकी जो नीतियाँ हैं, उनकी जो नीतियाँ हैं जो उन्होंने 2014 के बाद हिंदू मुसलमान का जहर बो के लोगों के अंदर ये जो भावनाएं आहत कर दी हैं सबकी, हिंदू मुसलमानों की, मैं उससे खफा हूँ। अगर आप बात करें कि हाँ अभी आप देखिए कब देखा हमने हनुमान जयंती पर के झंडा लगा के पूरा लोग चल रहे हैं, हमने तो नहीं देखा ना, हमने नहीं देखा। दिवाली जैसे मनती है वैसे ईद मनती है, मनाओ खुश रहो ना, क्या जरूरत है आपको झंडे निकालने की, भगवादारी जय श्री राम के नारे लगाने की, क्यों नफरत पैदा कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कभी ये हो ही नहीं सकता, ये देश जो है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शुरू से रहते हैं, ये उनका देश है ना, ये हिंदू राष्ट्र कभी था ना कभी हो सकता। मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं आपको फिर भी बोल दूँ, अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो मैं मुसलमान नहीं हूँ जो मुसलमानों को यहाँ पे फेवर करने आई हूँ, नहीं, मैं एक नॉन मुस्लिम लड़की हूँ, पर फिर भी कह रही हूँ कि ये देश कभी हिंदू राष्ट्र ना था ना कभी बन सकता। इस देश में जितना हक हिंदुओं को रहने का है उतना ही देश में हक मुसलमानों को रहने का है, उसी जो मिट्टी सींची है ये उसी दोनों के खून से सींची गई है, सिखों के खून लगा है इसमें, ईसाइयों का खून लगा है, हमारे अशफाक उल्लाह खान का खून लगा है, भगत सिंह का लगा है, बाबा साहब अंबेडकर जो थे संविधान लिखा है उन्होंने, दलितों का, ये सबकी मिट्टी है, यहाँ पर आप अपना हक नहीं जमा सकते। यहाँ पर किसी ने ऐसा कुछ काम नहीं किया है कि हक एक हिंदू का बन जाए, नहीं, देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का था और रहेगा। 2024 के जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं जी, भाजपा लगातार दावा कर रही है, अमित शाह जी भी दावा कर रहे हैं कि 2024 में भाजपा आना तय है, भाजपा आना इसलिए तय है ना क्योंकि इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा ढूंढ रखा है अपने लिए, अभी तक राम मंदिर नहीं बन रहा, हमने देखा 5 साल के लिए आए, उन्होंने बोला कि हम 2014 के बाद इन्होंने बोला कि हम 19 में बनवा देंगे, फिर उसके बाद अब बोला कि हम 24 में, अब 24 में भाई साहब बनवाना शुरू करेंगे फिर इनके पास, क्योंकि काम तो है नहीं ना, ना लड़कियों की सुरक्षा करने के लिए ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल्स है, ना लड़कों के लिए रोजगार है, ना लड़कियों के लिए रोजगार है, कुछ है ही नहीं, अब बचा क्या, सिर्फ राम मंदिर। अब राम मंदिर की ईंट रखेंगे फिर हिंदुओं को जगाएंगे कि भैया हिंदू जागो, मुसलमानों के खिलाफ वोट डालो, मुसलमानों को डराना है इस तरह की वोटिंग के डालो, और यहाँ पर हमें मुसलमानों को भगाना, हिंदू राष्ट्र सिर्फ यही तो बचा है। लेकिन बाबा रामदेव लगातार पूछ रहे एक सवाल जनता से, लेकिन बाबा रामदेव की तो बात ही मत करिए, बाबा रामदेव किसी गिनती में है ही नहीं, उसकी बात मत करिए, एक ढोंगी बाबा है उसकी बात ही मत करिए मुझसे, उसको हटा दीजिए साइड में, और मैं उसको उसके लिए सवाल कर रहे ना, उसके लिए सवाल उसके लिए सवाल के जवाब, मोदी नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, मोदी नहीं तो बहुत सारे नेता हैं, हम देखिए बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो है? ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम क्यों मोदी मोदी का टंटा बजाते रहे, क्यों मोदी ने ऐसा क्या कर दिया हमारे लिए, सिर्फ हिंदू राष्ट्र करके वो जीत नहीं सकते हैं कुछ, अगर उन्होंने बोल दिया कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू भक्त हैं, और सिर्फ हिंदुओं की बात, राम मंदिर की बात करने से कुछ नहीं होगा, देश की जनता के लिए काम करना पड़ेगा, तब कुछ जाकर चेंज होगा। ठीक है, थैंक यू।